लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक गन्ने के खेत में। यू कहें कि यहाँ पे गन्ना लोडिंग होता है, चीनी मिल में यहाँ से जाएगा। और मोदी सरकार पे अक्सर किसानों के बदहाली का आरोप लगता है और मोदी सरकार 14 में किसानों की आय दुगनी करने के वादे पे आई थी सरकार में। आज यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान अपनी गाड़ियों से, छोटे छोटे ट्रायली से बड़े ट्रैक्टर पर मिल की तरफ ले जाने के लिए लोडिंग कर रहे हैं। आइए किसानों से बातचीत करके देखते हैं कि किसान के मुद्दे क्या होंगे। चाहे जैसे अभी MSP को लेकर के राहुल गांधी के मैनिफेस्टो हो या मोदी सरकार के दुगनी आय को लेकर के किसान क्या सोचते हैं और इस चुनाव में किसान के क्या मुद्दे होंगे, क्या एजेंडे हैं किसान के, आइए किसानों से बातचीत करके देखते हैं। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। तो ये सब लोडिंग होके कहाँ जाएगा? बल्लामपुर चीनी मिल जाएगा। और बताइए कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, खूब बढ़िया चल रहा है। तो और क्या माहौल है इस समय फिर चुनाव उनाव का? चुनाव के कौन माहौल है? किसान बाजे हैं, चुनाव ऐसा देखा जाता है। वही किसान के मुद्दे पे चुनाव से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए क्योंकि हर सरकार नहीं, किसान आप देखिए, चुनाव के लिए मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं किसान के जो मुद्दे हैं चुनाव से, चुनाव किसान से जुड़े हुए हैं, तो उन मुद्दों को लेकर के मैं बातचीत करना चाहता हूं कि मोदी सरकार 2014 में जैसे एक बात कही थी कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं, दुगनी हुई इनकम जैसे? अब दुगनी तिगुनी ये सब हमको नहीं मालूम है। अब इस समय हम लोग अपने दिमाग में घुसे हैं, गेहूं काटे पड़ा है, सब गन्ना कट रहा है। काम से फुर्सत है नहीं तो हम लोग करेंगे क्या? देश में किसानों को रीढ़ की हड्डी कहा गया है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसानों के हर सरकार बिना किसानों के मैनिफेस्टो के साथ आती नहीं है सत्ता में। किसानी तो पूरे जिंदगी भर हम लोग करते आ रहे हैं, जिंदगी भर से किसानी कर रहे हैं। हमको कोई गवर्नमेंट आई है तो सब वही हिसाब से आई है, कोनो ये तो है नहीं कि हाँ। लेकिन इस सरकार में जैसे महंगाई के ऊपर कहा जाता है किसानों की इनकम के समय के परिवर्तन तो भवे की ही सी। अब समय के अनुसार से महंगाई जैसे समय के हिसाब से भाव है, वही हिसाब से महंगाई भी है, वही हिसाब से सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जो सरकार ने कहा था कि इनकम डबल के आय दुगनी का, वो किसानों की आय दुगनी हुई या नहीं हुई? वो कौन चीज पर दुगनी हो गई भैया? सरकार ने कहा था कि हम किसानों की, कि किसान देश के रीढ़ के हड्डी हैं, किसान नहीं तो देश का कोई भी नहीं। हाँ, सही है। तो जब मतलब सरकार ने इसलिए कहा था कि किसानों को हम इम्पोर्टेंट देंगे और किसान की जो इनकम है, जो लागत लगाएंगे, उसे हम डबल फायदा देंगे उनको। वो तो डबल फायदा देंगे, लेकिन अब जैसे डबल फायदा दे रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना ही फायदा बढ़ रही है, मेहनत के ऊपर है। किसानों की एक समस्या बहुत बड़ी, दिल्ली बॉर्डर पे भी देखा गया, धरने प्रदर्शन हुए MSP को लेकर के, उसके बारे में क्या सोचते हैं चाचा? अभी इसके बारे में हमें लोगों का कहना है मालूम है। MSP आप नहीं जानते? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है, ये सब कानून लागू है न? हाँ। ये कोई कर है नहीं? MSP उत्तर प्रदेश में भी लागू है? अरे लागू है, लेकिन हमारे लोग जैसे छोटे करण नहीं है। अच्छा, और कोई है? आप क्या नाम है भैया? क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे चुनावी माहौल में गर्म, अलग अलग सरकार पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही हैं? हाँ, वो तो कर रही हैं। MSP के बारे में क्या सोचते हैं आप? अब उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचते, अपना काम देख रहे हैं। अभी आएगा चुनाव तो फिर देखा जाएगा। हाँ। अभी हम लोग खुल के थोड़ी किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। नहीं तो जैसे राहुल गांधी ने MSP की गारंटी भी दी है कि हम MSP गारंटी को लागू करेंगे, जैसे MSP का जो स्वामीनाथन अय्यर की रिपोर्ट कहती है, तो उस रिपोर्ट को वो धरातल पे लागू करेंगे। हाँ। तो क्या सोचते हैं उसके बारे में? अरे जब उनकी सरकार ही नहीं आएगी तो लागू कहाँ करेंगे? आदमी समस्याओं से, तो किसान की समस्याओं से तो वो मतलब लगातार आवाज उठा रहे हैं,
कैसे देखते हैं उठा रहे हैं, लेकिन जनता उनके ऊपर विश्वास तो नहीं कर रही है। क्या वजह है कि जनता विश्वास है नहीं? आप ही मान लीजिए, आप विश्वास करते हैं या नहीं करते? हम तो नहीं करते हैं। क्या वजह है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे राहुल गांधी? दिखाई ही दे रहा है कि उनकी सरकार काफी दिन तक आने ही वाली नहीं है, तो फिर उनके ऊपर विश्वास क्यों किया जाए? ये आपको कैसे पता एहसास हो रहा है कि उनकी सरकार नहीं आ रही? लग रहा है, देखने में लग रहा है कि नहीं आएगी। मतलब आपको ये लग रहा है कि राहुल गांधी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन जो उनका मैनिफेस्टो है वो सही है? हाँ वो तो सही है, पिछली सरकार थी सही ठीक ठाक चल रहा था, इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन अब जो सरकार आई महंगाई तो क्या वजह है कि बार बार मोदी सरकार को लोग पसंद कर रहे हैं वोट देने? क्या वजह है? बस वही अपना हिंदुत्व देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वही सच्चाई है, उसी के पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये तो कोई नहीं देख रहा है ना कि महंगाई इतनी बढ़ रही है और सब कुछ बढ़ रहा है, उसके पीछे नहीं, बस वही जाट वाट के पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं। मतलब जो असल मुद्दा है वो कहीं धर्म से रिलेटेड है? हाँ बस उनका यही मुद्दा ही है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। और भाई साहब क्या नाम हो आपका, क्या कहना चाहिए? आइए आइए, एक चाचा है उनसे बातचीत करते हैं। क्या हाल बताइए, कैसे हैं? आपका इनकम उनकम डबल हुआ? इनकम कोई डबल करता है? इनकम क्या डबल? सरकार ने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। अरे चार गुना कह दिया है। चार गुना? तब 60 लाख का वही गन्ना ना भी कान है। अच्छा, ये गन्ना पेमेंट का भुगतान का भी एक समस्या रहता है, पेमेंट वेमेंट कैसे भुगतान? भुगतान तो बढ़िया हो, भुगतान हो जाता है बिल्कुल, 8 दिन हो जाता। 8 दिन? और क्या किसानों की क्या, क्योंकि हर सरकार कहीं ना किसान को ही अपना सब कुछ मानती है। ना आए दिया था है पहले, अब हर गर्मी में अच्छा चाचा एक बात बताइए, मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, और जो इस समय सबसे बड़ी किसान की समस्या दिल्ली बॉर्डर पे देखा जा रहा है जो चल रहा है, उसमें राहुल गांधी ने ये कहा है कि किसानों की इनकम दूना हो गया आपका इनकम। तब मैंने आप 55 रुपए में डीजल है और 100 रुपए में दिया था, वही कम दूना है। अरे इनकम दूनी है, महंगाई नहीं। अरे तो इनकम दूना ना है कि 25 अपना लिया था केंद्र सरकार और 20 लिया था राज्य सरकार, 45 दो जने मिल के ले ली, तो 100 तो पहुँचा दी ना बाउर का लिया। तो आप इसी को विकास मानने हैं? अरे तब अभी ऐसे बढ़िया विकास क्या करी। अच्छा जो है ये अभी राहुल गांधी ने किसानों के लिए गारंटी दी है कि जैसे घर किसानों के लिए, खास करके आम हर जनता हर गरीब के लिए, कि महिलाओं को घर में 1 लाख रुपया, अगर नौजवान लड़का पढ़ रहा है ग्रेजुएट है तो उसको 1 लाख रुपया, और कानून जो MSP की जो सबसे लड़ाई चल रही है दिल्ली बॉर्डर पे, 700 किसान उसमें शहीद भी हुए, उस गारंटी को लागू करेंगे, वो कैसे देखते हैं? कैसे देखा है? हाँ मतलब क्या कहना चाहेंगे अगर MSP की गारंटी लागू करेंगे तो उनकी सरकार बनेगी तो? हाँ बने तो उनके तो बने ही चाहिए अगर वो। क्या किसान इस मुद्दे पे कांग्रेस को वोट करने वाली भरोसा करने वाली है? बिल्कुल है, कहे नहीं किसान भरोसा कर, लेकिन सब ना करी है। तो कहाँ करते वो जो 5 किलो गलवा पावत है, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी बाबा आपको गेहूं दे रहे हैं, हम आटा देंगे आपको, सीधा आटा देंगे आपको। वो सही है, आटा और गेहूं वाले सब फेल, लेकिन ये जो जानकार हैं सहीगर, वो 5 किलो गेहूं चाहिए उनका। अखिलेश यादव ने आटा के साथ में डाटा भी देने को कहा है, 500 रुपया मोबाइल के लिए फ्री डाटा करेंगे। वो सही है, हमारे लोग क्या 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 कह रहे चाचा? जैसे ये कह रहे हैं कि सुकून से अपन पैसा न दे, हमारे लोगन के कमाई खाए ले दे सुकून से, तो हम लोग बहुत मजे में। किसान कहीं ना कहीं आक्रोश है, हर जगह किसान ही मोड़े जाते हैं, जितना है सब किसान ही मोड़े जाते हैं, जितना कुछ है वो किसान ही मोड़े जाते हैं, किसान के ऊपर सब कुछ है। सरकार के खेती है कहाँ से कमाई कर दिया था हम लोग, खेती है उनके, कितना भी गेहूं बोया है, कितना गन्ना बोया है, किसान से लेके जनता को देते हैं, जनता तो जनता वह किसान है तो जनता है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इतना महंगाई डीजल पेट्रोल और यूरिया खाद डेपियो पे जो आप लोग किस खेती में डालते हैं, तो ये बताइए चाचा एक फसल को तैयार करने में और उसको मील तक पहुंचाने में कितना मेहनत मशक्कत है आप लोगों का? अरे बहुत। क्या उस मेहनत मशक्कत का परिणाम यानी एक नफे मुनाफे के रूप में मिल पाता है आप लोगों को? वहाँ कहाँ मिलत, 370 में गन्ना जात है और 700 रुपया कुंटल हमें लोग गन्ना खो ही मिलत है, जो न खाद बनावत है, और बताओ गन्ना जात है 370 रुपये में और खो ही मिलत है 700 रुपये में, तो सरकार के रे पैसा है कि हमारे लोगन, और सरकार को खेती कर, सरकार कहाँ खेती करेगी, तब वो अपने घर से हमें कहाँ दिया था। कुल मिला के आप समझ रहे हैं कि इधर से उधर ही किया जाता है सरकारों में? अरे हमार लेके 10 लेते हैं तो एक दे दिया था, 9 अपना ले लिया। क्या कहना चाहेंगे चाचा?
हम तो कहीं हम तो यहाँ हमारे कहा है। अरे कहीं तो होगा, आपका हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं ना, कहाँ घर पड़ेगा आपका? घर हमारा बहुत दूर है। अरे कहाँ, मतलब कहीं बॉर्डर क्रॉस तो नहीं कर जाएंगे? बॉर्डर क्रॉस है और क्या हाल है? कैसे देखते हैं इस बार राजनीति में, क्या देखते हैं, किसका वर्चस्व जम रहा है, नरेंद्र मोदी जी का या राहुल गांधी या अखिलेश यादव, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो भैया टाइम पर पता लगे भी क्या कहा जाए। लेकिन मैनिफेस्टो से आप मैनिफेस्टो देखें कि जो जो मैनिफेस्टो की सरकार बनने के बाद क्या किया जाएगा, वो मैनिफेस्टो सामने आया है उसको कैसे देखते हैं? जैसे राहुल गांधी ने कहा है 1,00,000 रुपया गरीब महिलाओं को, बच्चों के पढ़ने वालों को 1,00,000 रुपया सालाना दिया जाएगा, किसानों की गारंटी लागू कर दी जाएगी। मोदी जी कहना 15,00,000 रुपया उनमें जमा की जाइए किसान के, तो सब सामने न है का कहा। तो मोदी जी जैसे उनका बयान का कोई मतलब आप लोग विश्वास नहीं, वैसे राहुल गांधी का भी विश्वास के बाद नहीं, जो सामने आवे विश्वास की जाता है। जो सामने कांग्रेस की सरकार जहाँ अन्य राज्यों में बनी है, तो जहाँ पे 500 का उन्होंने सिलेंडर की बात की थी, 500 का सिलेंडर दिया, तेलंगाना में महिलाओं को बस फ्री कहा था तो बस फ्री दिया, बिजली जहाँ पे फ्री की बात की थी उन्होंने वहाँ पे बिजली भी फ्री दी है। तो मतलब कुछ सरकारों में उनको देखा गया कि उनकी जो योजना उन्होंने चुनाव से पहले कहा था उसको पूरा किया। भैया हम लोग हैं किसान, हम लोग किसानों की क्या मूलभूत समस्या, व्यापार से नहीं जुड़े हैं हम लोग, हम लोग किसान हैं। किसान के जो समस्या के पीछे ध्यान दी वह कह हम लोग साथ, वही मैं जानना चाहता हूँ कि किसान की क्या समस्या, क्या समस्या ये है? कम से कम गन्ना के मूल्य जो है 20 क्विंटल के कम से कम 10,000 रुपए महंगाई चाहिए, मतलब 10,000 रुपया और बढ़ना चाहिए। हाँ, 7,000 है, 71 है इस समय। हाँ, कम से कम 10,000 चाहिए, 10,000 रुपया। हाँ, मतलब 2900 रुपया और एक्स्ट्रा आप लोग चाहते हैं? हाँ, तब जाके किसान के जितनी भर्ती लगाओ थे वो हिसाब से उनके भरपाई हुई 10 रुपयों का मिल। कितने में खरीदारी हो रही है इसमें गन्ना अभी? समय 370। हाँ, तो आप 500 की मांग कर रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे काका, गन्ना कितने में आप लोग का खरीद होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे, 500 में या 370 में? जो रेट है वो सरकार सही कर रही है खरीद के? अरे सरकार तो अपने समस्या सब ठीक है, सब ठीक है। कैसे यार, कौन मांग की जाए, क्या मांग की जाए, जो मिल जाए वही मांग है। हर सरकार तो किसानों के ऊपर ही अपना सब कुछ रहती है ना, कि किसान ही के लिए हम सब कुछ करेंगे, तो करा छाप कर जो करा जो करते हैं। खुश है 370 के रेट से? ये सब खुश है, जो आ जाए और ज्यादा आ जाए तो ना खुशहान, खुश का अब कम हो गए तब खुश है। हम लोग खेती करे की किसानी, अब कहा कीजिए भाई, हम लोग तो कहाँ जाएंगे? दबे मन से कहीं ना कहीं आप नाराज हैं, रोष में? रोष में नहीं है, देखो किसान अपना पीड़ित है, किसान के कहीं कहीं बाढ़ से चला जात, कहीं सूखा से चला जात, ये गन्ना ऐसी है जो उन कुछ ऐसे कुछ भरपाई हो जा। तो रेट बढ़ना चाहिए गन्ना का? हाँ, गन्ना का रेट बढ़ा है कुछ, बीजेपी सरकार में गन्ना 490 के आसपास कुछ कुछ बढ़ा है, कुछ बढ़ा है, लेकिन कुछ बढ़ाई क्या ही है, 500 होना चाहिए। हाँ, तब जाके किसान के कुछ समस्या हल हो। तो दोस्तों हमारे साथ ये गन्ना किसान मौजूद थे यहाँ पे और इस तरह अपनी समस्याओं को बताया और कहीं ना कहीं जो सरकार के मैनिफेस्टो पे भी बात की, तो कहा यही लोग दबे मन से कह रहे हैं कि किसी भी सरकार का मैनिफेस्टो पे क्या भरोसा किया जाए, जब सरकार बनती हो जो होता है वो सामने होता है, चाहे मोदी जी का 15 लाख हो या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का हो, कहीं ना कहीं सब सामने है, अब किस पर क्या भरोसा किया जाए और चुनाव में क्या फैसले होंगे किसान के, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।